हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करूंगा जोमेटो और स्विगी कंपनी का जो डिलीवरी बॉय है, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे तो क्या होता है, मतलब उनकी हेल्प कैसे की होती है, क्योंकि कंपनी बोलती है कि हम अपने डिलीवरी बॉय को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अगर सच में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है तो कितना प्रोवाइड करती है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और आज मैं एक स्विगी के डिलीवरी बॉय से भी मिलूंगा, और क्योंकि कुछ टाइम पहले उस डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ था डिलीवर करते दौरान, तो उनसे पूरा इन सवालों के जवाब जानूंगा। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और मेरा वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी रहता है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ स्विगी के एक डिलीवरी बॉय के पास, और इनसे पूछेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जब ये काम कर रहे थे इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, और जब एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी ने कितना हेल्प किया नहीं किया, इनिशियल टाइम में किसने हेल्प किया, इन सारी बातों का आज जवाब देंगे। तो चलिए अभी डायरेक्ट इन्हीं से पूछते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। स्विगी में कितना टाइम से काम कर रहे हैं? स्विगी में एक साल 8 महीना 9 महीना हो गया, लगभग एक साल से कई साल। तो आप जब काम कर रहे थे तो कैसे एक्सीडेंट हुआ था? मैं तो डिलीवरी करने जा रहा था, वहाँ पर रसलर मोड़ में, गोवा बेलगोड़िया रसलर मोड़ में, वहाँ पर एक गाड़ी मेरे को साइड में भेजा दिया, तो वहाँ से गाड़ी खाली पालक गया तो जब मेरा हाथ टूट गया, देख सकते हैं उनका पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था इस एक्सीडेंट में। तो तब वहाँ से मैं फोन किया था स्विगी पार्टनर से, मैं कंपनी को फोन किया था पहले आपने, पहले दोस्त लोग को फोन किया था, दोस्त लोग कंपनी को फोन किया, कंपनी वहाँ से बोला कि इनको नर्सिंग होम ले जाओ, तो कंपनी जो बोला नर्सिंग होम ले जाओ, तो जेनिथ में गया, जेनिथ ने बोला ये हो जाएगा इंश्योरेंस, बट पूरा इंश्योरेंस नहीं होगा, मतलब COVID-19 टेस्ट करना होगा, वो अपना से करना होगा, वो 12,000 लगेगा, वो मेरे को करना होगा। फिर बोला वहाँ से इंश्योरेंस देगा 40%, 60% मेरे को देना पड़ेगा। कंपनी पॉलिसी का ऐसा भी था? हाँ, मेरे को पूरा पैसा देता नहीं, बताइए। ज्वाइनिंग करते वक्त कंपनी बोलता है कि आपका इंश्योरेंस कितना बना था, मैं सुना था 2 लाख का इंश्योरेंस बनता है, लेकिन इधर कंपनी बोलता है कि भाई जब एक्सीडेंट होगा तो 60% आपको देना पड़ेगा, 40% इंश्योरेंस कंपनी देगा, 40% कंपनी, बताओ 2 लाख का इंश्योरेंस बन रहा जबकि इधर 40% ही दे रहा है, तो इस तरह से कह सकते हो कि फ्रॉड टाइप का हुआ इनके साथ। वो पैकेज बोला, एक स्टील का पैकेज बोला था 75,000। अच्छा, मतलब आपका हाथ में स्टील लगा हुआ, मैंने स्टील पार्टी लगा, प्लेट लगा, प्लेट लगा, तो वहाँ से कुटीराम से ही जेनिथ में ही बोला था प्लेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अभी देवदास में बोला प्लेट लगाना पड़ेगा, एक हो 75,000 और एक 85,000। कंपनी को मैंने फोन किया था, तो फोन करने के बाद वहाँ से बोल रहा है आप पूरा कैशलेस होगा, और नर्सिंग होम से बोल रहा है नहीं कैशलेस पूरा होता नहीं, इंश्योरेंस ये। तो वहाँ से डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर का बिल भी हुआ मेरे पास, अभी पूरा बिल है। फिर आरजी कार्ड भी मिल गया, पूरा पहले तो सागर दत्त मिल गया, वहाँ से ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं होगा, फिर हम मेरे को आरजी कार्ड में ट्रांसफर कर दिया, वहाँ से ट्रीटमेंट करके डॉक्टर बोला इसको ऑपरेशन करना होगा और पाथी बचाना होगा, प्लेट बचाना होगा, तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हुआ, अभी सिलाई सब हो गया, ऑपरेशन हो गया, पूरा ऑपरेशन हो गया। कितना खर्चा हुआ इसमें? जेहेतु हॉस्पिटल में हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, पैसा कुछ नहीं लगा, मेडिकल पूरा लगा, मेडिसिन मेरा बहुत खर्चा हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी अभी तक कोई भी क्लेम मेरे को नहीं दिया, अभी तक आपने बताया कि मेरा इतना खर्चा हुआ? डी आई फॉर्म होता है, अच्छा एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है, तो 6
सिक्स बार छः सात बार मैं फिलअप किया, अभी तक कंपनी में और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं। दोस्तों देखना इन्होंने क्या कहा, छः से सात बार इन्होंने वो फॉर्म फिलअप किया, कंपनी को सबमिट किया, लेकिन कंपनी तरफ से अभी तक एक भी एक्शन नहीं लिया गया इनके तरफ। और कितना दिन हो गया आपका एक्सीडेंट हुआ? ढाई महीना तो सोच सकते हैं। 8 जून हुआ एक्सीडेंट, 8 जून को, मतलब जून जुलाई अगस्त, दो महीने से ऊपर हो चुका, लगभग ढाई महीना हो चुका। और कंपनी की तरफ से अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं मिला इनको, किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला। इतना बार फॉर्म फिलअप करने के बाद, कंपनी को इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कंपनी ने एक बार भी इस डिलीवरी बॉय की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो देख सकते हैं कंपनी कितना, मतलब ज्वाइनिंग करते वक्त आपको ये बताएंगे 2 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन जब इंश्योरेंस देने का बात आता है तो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ 40% देंगे और 60% आपको देना पड़ता है। तो देख सकते हैं इनका हालत अभी बहुत ही मुश्किल में है। मैं जब काम किया था, मेरा पैसा था थोड़ा, अभी पूरा जीरो में आ गया। खाना औषध तो मेडिसिन तो खरीदने का पैसा ही नहीं है, मेडिसिन का पैसा ही नहीं है खरीदने। और एक मेडिसिन का पैसा प्रचुर बहुत लगता है, वो 800 रुपये एक एक टैबलेट का लगता है, तो क्या 6 टैबलेट आप भी खरीद नहीं सकता है, पैसा ही नहीं है मेरे पास। कंपनी ने कुछ भी हेल्प नहीं किया, कंपनी ने एक ₹1 और आपके घर में और भी कोई इनकम करने वाला है? मेरा ही इनकम अकेले चलता है। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरा वाइफ है, ठीक है, मेरा पापा है, मेरा भाइया है, पूरा इनकम मेरे से चलता है। चार लोगों का फैमिली और इनकम में तो पड़ता है। मेरा वाइफ का काम भी चला गया, मेरा भाइया का काम वही चला गया, आपके ऊपर ही सब चला, मेरा डिपेंड चलता था। तो देख सकते हैं इनके ऊपर ही पूरा इनका फैमिली सरवाइव करता था, इन्हीं के अर्निंग के ऊपर पूरा फैमिली चलता था, लेकिन आज ये एक्सीडेंट होने की वजह से घर में बैठे हुए और इनका अर्निंग भी रुक चुका है। और कंपनी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि एक घर में एकमात्र अर्निंग करने वाले इंसान थे और यहाँ घर में बैठे हुए, तो इनके लिए काफी बुरा वक्त। इन्होंने जैसे बताया कि एक एक मेडिसिन का 800 से लेकर 1000 रुपीज तक का एक मेडिसिन आता था, तो वाकई में काफी कॉस्टली आता था। तो कंपनी तरफ से भी कोई मतलब हेल्प नहीं किया। और आप पूछना चाहता हूँ, कोई डिलीवरी बॉय आपका जैसे दोस्त है यार? दोस्त मेरे जो जोन में मैं काम करता था, वहाँ जोन से मैं बोला था, दो बार मेरे को 1500 कॉल करके दिया था, हेल्प किया था जोन में, को हेल्प किया था। फिर तो एक जोन में एक दोस्त, वो भी मेरे को 500 देके अलग से दिया, दो मैंने हेल्प करने के, बोला वो उस मेडिसिन खरीदने, ठीक है। मेरे को दोस्त बहुत हेल्प किया, ठीक है, बट कंपनी एक ही पैसा नहीं दिया। फिर मेरा आईडी माने ब्लॉक के कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया मेरा आईडी में लिए, ब्लॉक के लिए मेरा पहले से लीक कर लिया दिया था, मैं पहले से बता दिया मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो लीक करके अभी माने स्ट्राइक में मेरा, मैं तो स्ट्राइक में है नहीं है, तो वैसे भी छुट्टी, ठीक है, छुट्टी में था, वो डिलीट कर दिया, डिलीट करके ब्लॉक कर दिया। पता है कितना मतलब गलत काम किया इनके साथ, इनका ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, घर पे बैठे हुए लीव लेके ऑलरेडी बैठे कंपनी से की तरफ से, लेकिन आप लोग जैसे जानते हैं स्ट्राइक चला है, तो स्ट्राइक की वजह से इनका आईडी ब्लॉक कर दिया है। देख सकते हैं कितना मतलब स्ट्राइक में नहीं था, जबकि ये स्ट्राइक में नहीं था, ये लीव में बैठे हुए थे। देख सकते हैं इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनी ने ऐसा गलत काम किया, कंपनी झूठा बन रहा है, बात कर रहा है। देखिए एक्सीडेंट है आपका, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कंपनी को सबमिट किया, फिर भी कंपनी बोल रहा है कि झूठ बात बोल रहा है आपसे, इसका ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो देख सकते हो। और जब अब ये, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, डिलीवरी बॉय के मतलब जो पार्टनर होते हैं ये आपस में बहुत हेल्प करते हैं। ये मैं देखा हूँ कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो पैसे काफी कमी थे, तो जितने भी इनके दोस्त थे डिलीवरी पार्टनर थे, सबने काफी मदद की इनकी, जितना हो सके सबने 1500 और के एक बंदे ने 500 रुपया तक भी इनको हेल्प किया। तो कंपनी तरफ से तो एक पैसा नहीं दिया, लेकिन जो डिलीवरी पार्टनर है वाकई में इनका काफी हेल्प किया। तो ये बात बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के कि कोई इनका मदद किया। तो आप लोग भी अगर कुछ मदद करना चाहते तो मैं इनका फोनपे या गूगल पे पेटीएम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो कुछ हेल्प कर सकते हैं इनका, तो इनके भी कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि इनके ऊपर ही पूरा फैमिली चल रहा है अभी फिलहाल। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इनका मदद करने की कोशिश कीजिए। होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस लाइन के बारे में कि कंपनी कितना फ्रॉड कर रही है अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ।
एक्चुअली ये तो डिलीवरी पार्टनर कहते हैं, लेकिन मैं सच बात बताऊं कि ये कंपनियां जो स्विगी जोमेटो है ये अपने डिलीवरी पार्टनर को पार्टनर नहीं समझती, मतलब कुछ भी नहीं समझती। अगर तो उसका कुछ भी हो जाता है रोड में ऑन द स्पॉट कुछ हो जाए तो कंपनी का कोई लेना देना नहीं है इससे। अगर वो मुसीबत में पड़ जाए तो उन्हीं को खुद निकलना पड़ता है इस मुसीबत से, कोई हेल्प कंपनी तरफ से नहीं मिलता है। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कुछ भी मदद करना चाहे तो इनको मदद कर सकते हैं। दोस्तों सुना आप लोगों ने उस स्विगी के डिलीवरी बॉय ने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच बात बताया उस स्विगी के डिलीवरी बॉय ने। कुछ ऐसा ही काम करती है, जब इंश्योरेंस की बात आती है तो कंपनी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। कुछ ऐसा हाल जोमेटो कंपनी तरफ से भी किया जाता है। कुछ टाइम पहले मेरे खुद का दोस्त जो जोमेटो में काम करते थे लॉकडाउन के दौरान, उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ हो गया था। तो इस वीडियो में तो वो टॉपिक में कवर नहीं कर पाऊँ क्योंकि काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं छोटे वीडियो अपडेट देते रहता हूँ इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।